जवान रहमानी है सियालकोट से कहते हैं गलियां सजाने से गलियाँ ज़दगान की मदद कर देना बेहतर नहीं है लाखों नहीं करोड़ों लगते हैं महाफिले नात पर लेकिन फायदा क्या होता है वही नातें घर भी सुनी जा सकती हैं यूट्यूब से महाफिले नात जरूरियात दीन में से है या जरूरियात आहले सुनत से नबी करीम सलातम की तशरीफ आवरी पर फरहत खुशी का, का इजहार करना ये तो जरूरियात दीन में से है कि आपने कुरान पाक नहीं सुना कि अल्लाह तो नबी पाक पाकसलात का प्रोटोकॉल यहाँ तक बयान करता है आमनु ला तरफ असवा ईमान वालो अपनी आवाज दौरान गुफ्तगु नबी की आवाज पर बुलंद न करना वाला तरु लहू बिलक हरे बिकम जिस तरह तुम तो एक दूसरे को चीख कर चिल्ला कर बुलाते हो इस तरह मेरे महबूब को आवाज भी नहीं देनी फिर होगा कि अगर दोनों गलतियों में से कोई गलती होगी तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे वह अन तुम लाता शोरूम तुम्हें पता भी नहीं होगा और तुम्हें इसकी समझ भी नहीं होगी तो भाई ये ना शरीफ सुनना नाथ शरीफ पढ़ना अदब के दायरे के अंदर रहकर शरीयत के दायरे के अंदर रहकर यह तो अमर खुदाबंदी भी है और सुन्नत मुस्तफ़ा भी है क्या आपको नहीं पता नबी करीम सलाम ने हजरत हसान बिन साबित को कहा था हसान, ये काफिर मेरी बुराइयां करते हैं तू चल तो मेरा दिफा कर जब तक तू मेरा दिफा करता रहेगा मेरी अजमतें बयान करता रहेगा उतनी देर तक रूहुल कुदुस तेरी मदद फरमाते हैं सुबह भाई यहाँ कलीमा पढ़कर भी कई लोग गुस्ताख तो रहते हैं ना तो उनके सामने बावकार तरीके से महाफिले नात का इनका करना सरकार की अजमतों को बयान करना ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की सुन्नत है आपको तो शायद पता नहीं होगा मैं अर्ज कर देता हूं अपने उलमा से पूछ लीजिए वो जो अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह बे और उसके फरिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम पर सलात भेजते हैं ये अल्लाह कौन सी सलात भेजता है किसी ने कोई मना किया किसी ने कोई मना किया लेकिन बुखारी के अंदर जलीलुल कदर जलील हजरत अबुल आलिया जो बयान करते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों का मजमा लगाकर अपने महबूब की शान बयान करता है अल्लाह की सुन्नत है ना लेकिन बहरहाल इस बात का ख्याल रहे ख़राफ़ात से पाक रहें और फिर ये जो आपने कहा है कि नात पर करोड़ों लगते हैं क्या ये सैलाब जदगान को नहीं देने चाहिए बिल्कुल ये भी देने चाहिए और जो हर साल गुलाफ़े काबा चेंज होता है जिस पर अरबों रुपया खर्च होता है कभी आपने उनको भी मशवरा दिया है कि क्या फायदा ये को फट थोड़ी गया है वो काबा, छोड़ो इस मरतबा चेंज ना करना इसका पैसा दो सैलाब जदगान के लिए क्या आपने सेठों को अमीरों को भी कभी दावत दी है इस बात की कि यार बच्चे का वलीमा करना है बच्चे का निकाह करना आराम यार से मस्जिद में सादगी से कर लो बाकी जितना खर्चा वर्चा सब तुम सैलाब जदगान के लिए भेज दो तो तुम्हें सैलाब जदगान की इमदाद सिर्फ माफिल नाक पर क्यों याद आती है क्या इसमें रसूलुल्लाह की अजमत का इधार है इसलिए क्योंकि आपका तो अकीदा ये है ना कि नबी की तारीफ के लिए जुबान संभाल कर बोलो बस जो, जो बशर की सी तारीफ है उतनी तारीफ करो बल्कि हो सके तो इसमें भी इख्तिसार करो अगर आपको यह मालूम नहीं लिखा किसने तो शाह इसमाइल देलवी ने तकवियत इमान के अंदर लिखा है जिसके बारे में तकवीतल ईमान के बारे में देवबंद के शेख ताइफा अल्लामा रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है इस किताब का रखना इस किताब का पढ़ना और इस पर अमल करना एन ईमान है तो क्या हम ये बात मान लें कि सरकार का तारीफ सिर्फ बशर जितनी करें जो मिलाद मनाते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो शिलाजान